गुड मॉर्निंग। ये देखिए, हमारे एक शख्स है, ये अपना रिश्ता चाहता है पूरे भारत में कहीं भी, और ये हिंदी इंग्लिश जानता है, इंडिया का रहने वाला है, और इसका डेट ऑफ बर्थ है 1/5/1996, जिला गया के रहने वाला है। अगर किसी को इसका रिश्ता मंजूर हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका एस टीचर है और काफ़ी अच्छा एजुकेशन है इसका। 2015 में इसने ऐसा ज्वाइनिंग लिया है और बहुत ज़्यादा मेहनती है। नाम एस से शुरू होता है इसका, और कास्ट इसका गैर मुस्लिम है। ठीक है, अगर किसी को इसके बारे में डिटेल्स में चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजिए, 9871291526, 9871529126 पर भेजिए, मैं भेज दूँगा। थैंक यू। हाँ, ये हमारे वर्मा जी हैं। पहले ये बताइए, इस महीने में मीटिंग कहाँ कहाँ है? एक मीटिंग तो 15 तारीख को पुनीत शर्मा जी की हो रही है सीआर पार्क में। अच्छा, और 22 तारीख की फिरोज खान की हो रही है एनडी तिवारी भवन में आईटीओ। अच्छा, और दूसरी 22 तारीख को आपके गुड़गांव में हो रही है भरत गंगा टॉयलेट। अच्छा, और गुड़गांव में 16 को गुड़गांव में। अच्छा, ये बताइए, इंडिया में गरीब लोग हैं तो ये किस प्रकार से काम करेंगे जो ये थोड़ा नेटवर्किंग में आगे बढ़ सकते हैं, बताइए। देखिए, गरीबों के लिए ही तो ये बनाया गया है, रिएक्शन का जो प्लेटफार्म है गरीबों के लिए ही है। कोई मुकेश अंबानी जैसे तो करने से रहे क्योंकि उनके अंदर ईगो है, पैसा भी बहुत है, तो वो लोग उनको लोगों करने की जरूरत है। गरीब आदमी ही के लिए ये प्लेटफार्म है। एक आदमी को अगर पहले तो हम समझे, उसके बाद एक आदमी को डेली समझाएंगे तो महीने में 30 दिन होते हैं, 30 लोगों को समझा देते हैं। और नेटवर्क का ये रेशियो है कि 10 में से 1 आ ही जाता है, तो 30 में से 3 आ जाएंगे आपको। और साल भर अगर आपने कर लिया इस तरह से तो आपके पास 36 लोग आ जाते हैं फ्रंट में। अच्छा, 36 का बोनस फिर उसको सब लोग इसी काम कर रहे हैं। महीने में अगर एक बंदा भी आ गया तो 12 महीने उसका डुप्लीकेशन होता है, 4000 भी आ जाता है साल के अंदर। अच्छा, किसी के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी और हेल्थ फ्री में मिलेगी। अब ये है कि नियर और डियर नहीं मानते हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है, आदमी उसको समझ नहीं पाया अभी तो। अच्छा, पेरू इस टाइम बहुत आगे है, नंबर 1 है पूरी दुनिया तो इसका क्या वजह है? पेरू कैसी है? पेरू एक कंट्री है। लखनऊ में हम गए थे तो 22 लाख की सेल बताई है। ठीक है, पिछले इसमें नवंबर में 22 करोड़ का लोग खाई तो गए, साबुन से नहा गए, पेस्ट करके कॉफी पी गए। आप भी कुछ बोलेंगे? हम कहते हैं इंडिया में कौन खाएगा, गरीब आदमी खा रहे थे, बात ये नहीं है। अच्छा, ये अभी जो ऑफर निकला है, क्या है ऑफर इस महीने में? इस महीने का क्या ऑफर है? क्या ऑफर है? ऑफर क्या है? आप नई ज्वाइनिंग कराइए, नई ज्वाइनिंग वाले को 1500 टीवी कराइए और आपको 250 ग्राम की देसी गाय चाय फ्री मिलेगी। मतलब क्या, 1500 पीवी करवाते हैं और 2000 पीवी अगर कराते हैं तो एक आपको स्पाइनमा 120 फ्री है। अच्छा, 120 मतलब ये ले लें या तो टी ले लें, दोनों में से एक ले लें? नहीं नहीं, 2000 कराएंगे तो आपको कैप्सूल स्पाइनमा कैप्सूल मिलेगा 120 वाला, और 1500 कराते हैं फिर आपको इसी गैनो चाय मिलेगी 250 ग्राम। अच्छा, जो अपनी नई जोनिंग वाले कराते हैं तो वो किसको मिलेगी, जो करवा रहा है? नहीं, जो कर रहा है। अच्छा, जो कर रहा है उसको मिलेगी। अच्छा, पुराने लोगों के लिए? पुराने लोगों के लिए क्या है? पुराने लोगों के लिए तो आप देखिए, 3500 पीवी कीजिए आपके लिए, और साथ में एक फ्रंट में नई ज्वाइनिंग लगाइए, इससे 1500 पीवी कीजिए। अच्छा, ऋषि गहनो चाय मिलेगी आपको, स्पाइनमा फ्री मिलेगा। अच्छा, ये नए लोग पुराने लोगों के लिए बोनस पड़ेगा, साथ बोनस पड़ेगा। अच्छा, ऐसी होता है, जैसे कोई इसमें जुड़ता है डीएक्शन के अंदर और नई जोनिंग आती है
तो वो किस तरीके से काम कर सकता है अपने मतलब इनकम बनाने के लिए, कैसे काम कर सकता है? ओरियो बिस्किट है मतलब वो कैसे मार्केटिंग में किस तरीके से क्या वॉलेट मेरा घर रह गया मतलब डिफाइन मतलब क्या बोलेगा लोगों से कैसे बिजनेस को बढ़ाएगा पेटीएम का बात करके तरह पेटीएम क्या वैसा देखिए बिजनेस चाहे वो डीएक्सएल का हो चाहे आम ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस हो ठीक है पैसा हर जगह इन्वेस्टमेंट होता है आप एक खोखा भी लगाते हैं कोई अगर पान की एक गुमटी लगाता है तो उसमें भी कम से कम नहीं तो 2,500-4,000-5,000 रुपये लग ही जाता है इससे कम नहीं लगता एक सब्जी बेचने वाले को भी 2,500-3,000 रुपये चाहिए तो ऐसे इसमें भी है जो इंसान इसमें 2,500 रुपये या 3,000 के बीच में जो 1,000 पीवी करते हैं और 2,500 का अगर खर्चा है तो एक साल 12 महीने मल्टीप्लाई कर लीजिए 30,000 रुपये खर्चा आता है और एक महीने में अगर एक इंसान को भी आप जोड़ते हैं साल भर कर लीजिए आप तो आपके पास जो है 30,000 रुपये महीने पूरी ज़िंदगी भर आएगा अच्छा ये इसका वो है ठीक है 30,000 अगर आपने एक साल में खर्च कर लिया मान लो और आप एक आदमी को डेली बता रहे हैं ठीक है तो रेशियो के हिसाब से आप अपने आप ही कामयाब हो जाएंगे अब जब हम बताएंगे ही नहीं तो कामयाब कैसे इंसान हो जाएगा कस्टमर जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि इसके जो प्रोडक्ट है ना थोड़े महंगे हैं और उनके बजट से उनको नॉलेज नहीं है ना उनको नॉलेज नहीं है देखिए डीएक्सएल का जो प्रोडक्ट है वो हीरा है कनूर है जैसे सोना और पीतल है एक ही कलर के होते हैं सोना अपने रेट में बिकता है पीतल अपने रेट में बिकती है तो जो गनोड्रमा है वो किंग ऑफ हर्ब है तो वो सस्ता कैसे हो सकता है अच्छा जो हर चीज मान लो ठीक करने की क्षमता रखता हो जो लोग उसको समझ रहे हैं इसमें 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर हैं तो जिन लोगों ने समझा है वो है नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इस बारे में जानते ही नहीं हैं जानकारी का अभाव है जानकारी का अभाव इसलिए है क्योंकि लोग उसमें ट्रेनिंग नहीं लेते अच्छा मंसूर भाई आप एलआईसी कराते हैं डीएक्शन में कैसे आ गए किसने समझाया आपको नहीं डीएक्शन का तो मुझे इसमें ये फायदा नजर आया कि अगर हम किसी के एलआईसी करने जा रहे हैं ठीक है अगर कोई वो समस्या हेल्थ के हेल्थ का कोई इशू है उसको या कोई ऐसी हेल्थ की कोई मतलब समस्या है तो अगर हम उसका निदान कर देते हैं तो आज नहीं तो कल वो हमसे मान लो एलआईसी भी ले सकता है अगर हमने उसका कोई बेनिफिट की बात करी हेल्थ की बात करी तो मेन हमारा क्या है कि उसको फायदा नजर आना चाहिए डीएक्शन के थ्रू और डीएक्शन के द्वारा अगर उसको कोई ना कोई बेनिफिट नज़र आया तो कहीं ना कहीं वो हमारी एलआईसी पे भी विश्वास करेगा कि भाई ये अगर डीएक्शन का हमें अच्छा वो दे रहे हैं सलाह तो एलआईसी में भी कहीं ना कहीं वो ठीक सलाह देंगे तो इसके आप कितने दिनों से हैं डीएक्शन में मुझे लगभग 6 महीने हो गए अच्छा आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं मैं इसका जी कोलगेट यूज कर रहा हूँ कोलगेट या गैनोजी टूथपेस्ट टूथपेस्ट और एक कॉफी अच्छा और इसकी स्प्रूला और जेल मैं ज्यादातर काफी इसके प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है क्या क्या फायदा हुआ मुझे इसका काफी फायदा नजर आया सेहत के हिसाब से जैसे एसिडिटी गैस और पेट की कई दिक्कत थी वो सब खत्म हो गई है अब वो इंशाल्लाह जो कुछ है और आगे ठीक हो जाएगी मैं अच्छा तो आपका खास करके एलआईसी है ना कोई एलआईसी कराना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे एलआईसी के बारे में लेकिन मैं हेल्थ में थोड़ा सा क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ उसमें कि लोगों को हेल्थ का भी बेनिफिट रहे और उसके हेल्थ के बेनिफिट बताएं डीएक्शन में बहुत अच्छी ये फैमिली परिवार है हर तरह के लोग हैं अगर आपको कंप्यूटर वगैरह सही करानी हो तो हमारे पास एक कंप्यूटर इंजीनियर भी है बहुत ही मस्त वाले तो इनसे भी मैं सुनता हूँ कि आरजू भाई आप डीएक्शन में आए और क्या क्या आपने इस्तेमाल किया क्या फ़ायदे कुछ बताइए डीएक्शन में इस्तेमाल तो किया मैंने अपने ऊपर तो इस कारण गुना इस्तेमाल किया अच्छा अच्छा एज ए सप्लीमेंट क्योंकि हम तो वैसे भी काफी हेल्दी आदमी हैं अच्छा लेकिन एज ए सप्लीमेंट स्पायरलूना और कॉफी भी तेल इस्तेमाल करता हूँ अच्छा सबसे ज्यादा आपने जो प्रोडक्ट दिया सबसे पहले किसको दिया भरोसा कैसे हुआ पहले किसको दिया हमने आपको अच्छा
मम्मी को दिया था। अच्छा, क्या प्रॉब्लम? अच्छा, कॉफी और स्पैन। और पहले कितनी वो कितनी मरतबा क्या क्या गोलियां लिया करती थी? अंग्रेजी दवाई खा रही थी, अभी इसको खाने से बस ये है कि अंग्रेजी दवाई कम खाना पड़ता है, हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट्स है, मतलब स्टेबल लाइफ। और आप डीएक्शन में काम करने से आप खुश भी हैं? अच्छी चीज है तो उसको आगे बढ़ाना। अच्छा अच्छा, समाज सेवा के तौर पे। अच्छा, भलाई कीजिए और फिर बाद में मलाई खाइए। मलाई मिले नहीं मिले वो एक अलग इशू हो सकता है कि हम अपने काम में खुश है, लेकिन ये है कि अच्छी चीज है तो हम इसको क्यों नहीं प्रमोट करें। अच्छा, जो दूसरे तक पहुँचे। ठीक है। हाँ मंसूर भाई, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ओके ब्रेक चाहिए ताकि हम अपनी बात भी तो कर लें। तुम तो अपना काम